सोमवार को कराएगी ये चार मल्टीबैगर स्टॉक आपको जबरदस्त कमाई दोस्तों। चार ये मल्टीबैगर स्टॉक सोमवार को कराएगी जबरदस्त कमाई। यस, बेस स्टॉक टू बाई ऑन मंडे 18 अप्रैल 2022। नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार और बहुत बहुत स्वागत है। आई मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंट्राडे टेक मुंबई। मच मच अप्रिसिएट टू ऑल ऑफ यू इन माई हियरेस्ट फ्रेंड। सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार और नए शेयर धारकों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन इंट्राडे टेक मुंबई पे। चलिए दोस्तों बता दें कि जिसके पास भी ये चार स्टॉक है, आपके पास है अगर, तो आप डिलीवरी में नीचे जाता है तो लगातार खरीदते रहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं है और इंट्राडे ट्रेडर है, आप हैं सपोज इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो ये चारों स्टॉक लाइफ टाइम तक, जब तक आप स्टॉक मार्केट में रहिए, आप ज़रूर इसको आप एक दिन हर दिन ज़रूर आपको देखना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप पुट और कॉल के आप ट्रेडर हैं या फ्यूचर में बाई सेल के ट्रेडर हैं, सभी के लिए, तीनों के तीनों ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी। दूसरी तरफ इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये चारों स्टॉक जो है आपको म्यूचुअल फंड के जितने भी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस में कई तरह के इंश्योरेंस होते दोस्तों। एक जनरल इंश्योरेंस होता है, एक व्हीकल इंश्योरेंस होता है, ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक कमर्शियल इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस भी कई तरह का होता है। तो ये सारे जो कमर्शियल ये इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनी है, ये आपको मैं बता दूँ कि इन चारों स्टॉकों के पीछे हमेशा और लगातार इन लोग का प्रमोटिंग जो परसेंटेज है होल्डिंग का, सबसे ज़्यादा रहता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड लेने वाले आपको ये चीज़ आपको ज़रूर जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में आपको एक साल में कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलता है। तो मेरा दावा है दोस्तों कि 20% से ज़्यादा किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड हो वो नहीं देता है, जबकि 2000% कमाते हैं एक साल में। अब चलिए बताते हैं दोस्तों कैसे म्यूचुअल फंड का खेल क्या है। अगर आपको मालूम है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की टेक्निकल चीज़ें, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड जो कराते हैं और जो करते हैं, वो एजेंट की बात करते हैं, वो 100% में 99% झूठ बोलकर आपको म्यूचुअल फंड दिलवाते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड के बारे में जान लीजिए असली और हकीकत क्या है। जितने भी एजेंसी हैं, एजेंसी झूठ नहीं बोलती है, उनका पेपर झूठ नहीं बोलता है, सब कुछ जता है। अगर जिस दिन फंसेंगे तो वो पेपर आपको लाएगा और फिर कोर्ट में जब पेपर जाएगा तो पेपर में जो आप साइन करते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, जो म्यूचुअल फंड लेते हैं आप, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें लगभग 100-150 साइन आपकी होती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा साइन किए हैं, किस एग्रीमेंट पे, क्या टर्म कंडीशन है। आपका एजेंट वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ साइन करा लिया और जब आप फंसते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो हमने साइन किया है। और साइन किया हुआ चीज़ कोर्ट को सबूत चाहिए, तो सबूत आपने दे दिया कि हम सब कुछ एग्री करते हैं, चाहे वो नुकसान में हो या प्रॉफिट में हो। म्यूचुअल फंड जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड करता है। आप नहीं जानते तो जान लीजिए, आज जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, सभी जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। बस अंतर ये होता है कि उनकी एक टीम होती है और वो टीम आपको डेली एनालिसिस करके बताते हैं, और खुद बताते क्या है, वो खुद एनालिसिस करते हैं और कौन सा शेयर में एक दिन में 50-100 शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, उनका यही है। और वही पैसा आपको 2000% कमाते हैं और 20% भी नहीं देते हैं आपको, ये नहीं जानते तो जान लीजिए। चलिए दोस्तों, वो तो बात अलग हो गई। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट वही करते हैं जिनको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में
कुछ भी जानकारी ए बी सी डी नहीं है दोस्तों। तो इंटर डेटेक मुंबई MBA बी के सिंह के चैनल पे पहली बार आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा कि 2021 का जो आपको 2 जनवरी से हमारा चैनल है वो ज़रूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम गूंगे को बोलना, अंधे को देखना और बहरे को चलना, और सॉरी बहरे को सुनना और लंगड़े को चलना स्टॉक मार्केट के लिए नए शेयरधारकों को सिखाने के लिए आए दोस्तों। इंट्राडे क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, देखते देखते लोग एक साल के अंदर बहुत सारे सीख गए, जिनको कि ABCD भी नहीं आती है, जिनको 1 to 100 नहीं आती है, जिनको काउंटिंग, जिनको गिनती 1 से 100 तक नहीं आती है, जिनको आपको अल्फ़ाबेट के ABCD A to Z नहीं आती है, जिनको व्यंजन क ख ग घ ज्ञान नहीं आता है, जिनको भौल स्वर AIOU और AIH नहीं आता है, मतलब कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं आता पढ़ने लिखने भी, वो भी स्टॉक मार्केट में आज पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आया हूँ कि ये 4 स्टॉक कौन कौन सा है और 4 स्टॉक की कहानी क्या है। तो सबसे पहला नंबर 1 जान लीजिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये पहला हमारा इस वीडियो का स्टॉक है जो आपको सभी तरह के ट्रेडर को जरूर एक दिन मार्केटिंग करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले आपको देखना चाहिए। दूसरा स्टॉक है जो आपको मैं डेली बताता हूँ और डेली कहता हूँ, और दूसरा स्टॉक जो है वो आप सुनेंगे तो कहेंगे सर क्या बात करते हैं। जी हाँ, इंडियन होटल्स लिमिटेड, इंडियन होटल्स लिमिटेड ये दूसरा स्टॉक हमारे सॉफ्टवेयर पे आया है। और तीसरा स्टॉक बताने से पहले हम ये कहेंगे कि अगर पहली बार किसी तरह आप इंट्राडे टेक मुंबई में बीके सिंह चैनल पे आ गए, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या इंस्टाग्राम के माध्यम से, या ट्विटर के माध्यम से, या किसी के आपके दोस्त के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, तो आप पहली बार आएँ तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को आभार व्यक्त कीजिए कि आपने इंट्राडे को पा लिया है दोस्तों। तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं जानते तो आप YouTube पर लिखिए इंट्राडे टेक मुंबई, सबसे ऊपर सबसे पहले आएगा, तो उसको लाल अगर दिखेगा तो इसका मतलब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी इसलिए दबा लिए कि हम 24 घंटा में आपको कहते हैं कि बेचो, खरीदो या रखो। दूसरी तरफ 2021 में 3000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट का वादा था जो हमने 3000% से ज़्यादा दिए, क्योंकि स्टॉक में तो 15,000% का प्रॉफिट मिला है दोस्तों। आप नहीं जानते तो हमें पिछला वीडियो जरूर देखिए। दूसरी तरफ 2022 में टारगेट है 5000 कंपाउंडिंग प्रॉफिट दिलाने का, जब तक अभी तक का 2500 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आपको कमेंट में लिखिए, अगर चाहिए लिंक तो मैं दे देता हूं कि आप देख लीजिए कि कैसे एनालिसिस और कैसी स्ट्रेटेजी से आप शेयर मार्केट में कमाई करते हैं। दूसरी तरफ तीसरा स्टॉक बताने से पहले आपको मैं बता दूँ कि ये स्टॉक कभी भी अपने पोर्टफोलियो से निकालना नहीं, और अगर नहीं है तो ज़रूर रख लीजिए। उसका नाम है बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप का और इंडिया की सबसे ज़बरदस्त प्रॉफिट, 1,30,000% अभी तक प्रॉफिट देने वाला इंडिया का बेस्ट कंपनी बजाज फाइनेंस। चलिए चौथा स्टॉक बताने के, ये पैनी शेयर है दोस्तों, और ये पैनी शेयर कभी भी आपको अमीर और धनी बना सकता है, लोगों को डिविडेंड देकर करोड़पति बनाता है हर साल 1 बार या 2 बार। कौन सा स्टॉक है तो ये आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये है आपको पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका सेक्टर है पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, चारों सेक्टर में ये काम करता है। और ये डिविडेंड से आज तक इसके प्राइस में मचाइए, और अभी भी पैनी शेयर इसको हम इसलिए बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि ये स्टॉक कितना बड़ा होने वाला है, ये कई विदेशों में इसके ऑफर मिल गए हैं, और ये लगभग 50 गीगावाट का इसको ऑर्डर भी मिला है दिल्ली, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और ये सारे कई राज्यों में भी अलग अलग इसके ऑर्डर मिले हैं, और इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी डिमांड है कि इसके स्टॉक बढ़ने, अभी समझिए कि बहुत ही सस्ता है, और ये अगर अभी आप ले लिए तो 3 साल के बाद, ये 3 साल 1 2 3
आफ्टर 3 ईयर्स बिगेस्ट ब्लास्ट ऑफ पावर सोलर सेक्टर। यस, चलिए दोस्तों बता दें, उसका नाम है एस जे वी एन लिमिटेड। आप चारों के चारों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ज़रूर रख लीजिए, अगर है तो नीचे गिरावट की दौड़ में आप और इसको खरीदिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको सोमवार 9:15 पे मार्केट जब खुलता है उसके पहले एक प्री ओपनिंग होती है। मार्केट खुलने से 5 मिनट पहले का जो समय होता है 9:10 से 9:15, ये 5 मिनट समझिए कि भले मार्केट में ट्रेडिंग नहीं शुरू होती है लेकिन आपकी वही 5 मिनट का एकाग्रता, कॉन्सनटेंसी और कॉन्स्टेंट जो माइंड है वही आपको कमा कर देता है दिन भर। कैसे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दें कि इंट्राडे करने के लिए ये 5 मिनट 9:10 से 9:15 क्या करना चाहिए कोई नहीं बताएगा, मेरा दावा है। लेकिन हम नए शेयरधारकों को जो अभी अभी आए हैं उनके लिए विशेष ये हमने वीडियो तैयार किया है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज श्री राम भक्त हनुमान की चिरंजीवी भी इनका पर्यावाची नाम है, उनकी जन्मदिन की ढेर सारी सभी करोड़ों करोड़ों लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम भक्त हनुमान जी की जयंती पर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं।